हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्ट्रीट 2.0। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे, जैसे कि आप थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। ये जो है कि यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप समझेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड का। जी हाँ दोस्तों, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड होगा। और इसमें जो है कि हम जो एक चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, और जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, जिसका नाम है खंडशः समाकलन। जी हाँ दोस्तों, खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बारे में समझेंगे, पूरा बेसिक से समझेंगे। और इसको सीखने से पहले, इसको समझने से पहले आपसे निवेदन है कि आप जो है इस सूत्र को ज़रूर याद करें। जी हाँ दोस्तों, इसको ज़रूर याद होना चाहिए आपको। तो सूत्र क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, यानी दो फलन u और v दिया गया है, और उसका इंटीग्रेशन कैसे किया गया है, किस तरह से बाय पार्ट यानी पार्ट में तोड़ करके इसको इंटीग्रेशन किया गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अर्थार्थ, यहाँ पे लिखा है हिंदी में, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है यथार्थ, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन बराबर प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकल माइनस प्रथम फलन का अवकल गुणे द्वितीय फलन का समाकलन का समाकल। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2017 में भी ये क्वेश्चन आया गया है। तो यहाँ पे जो है कि इसको कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे जो है कि पूरा फाइंड करके यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये चीज़ है, ये बेसिक जो है कि कॉन्सेप्ट है, तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एग्जांपल, इसी के बेस पे एग्जांपल कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपने बुक में देख सकते हैं कि पहला एग्जांपल जो है कि जो दिया गया है वो क्या दिया गया है कि इंटीग्रेशन यक्स इंटू ई के पावर यक्स डी एक्स का मान निकालिए। तो ये चीज़ आपको देखेगा आपकी किताब में, तो क्या यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा कि आई इक्वल टू हमारा दिया है, आई इक्वल टू दिया है यक्स इंटू ई के पावर यक्स डी एक्स, यानी दो फंक्शन इसमें दिया है, एक तो यक्स दिया है और ई के पावर यक्स इसमें दो दिया है, इसको फर्स्ट सेकेंड मानना है। तो फर्स्ट हम जो है यक्स को मानेंगे और सेकेंड ई के पावर यक्स को मानेंगे। ये फर्स्ट सेकेंड कैसे माना जा रहा है ये जो है कि आगे बताएंगे हम। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड मान लिया, अब क्या करना है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा क्या है कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये चीज़ है, इसी पे लगेगा, इसी पे फर्स्ट सेकेंड, यानी फर्स्ट यू है और वी जो है क्या है, सेकेंड है। तो इस तरह से आप मान करके लगा सकते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही चीज़ है, यहाँ पर वही चीज़ फॉलो किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही चीज़ यहाँ पे फॉलो किया गया है। तो यहाँ पे यक्स को फर्स्ट मानेंगे तो इसको बाहर रखेंगे और सेकेंड को अंदर रखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और यक्स इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा गया, यक्स इंटीग्रेशन ई के पावर यक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, फिर मझला कोष्टक है डी अपन डी एक्स यक्स इंटू इंटीग्रेशन ई के पावर यक्स डी एक्स, और कोष्टक बंद है, और डी एक्स यानी पूरे का क्या है, इंटीग्रेशन करना है। तो यक्स का आप जो है कि ये चीज़ करेंगे यहाँ पे, तो यक्स जो है कि बाहर रहेगा ई के पावर यक्स का, ई के पावर यक्स का जब हम समाकलन करते हैं या अवकलन करते हैं तो वही आता है, ई के पावर यक्स ही आता है। तो ई के पावर यक्स यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे ई के पावर यक्स रहेगा, और माइनस का ये है, और डी अपन डी एक्स यक्स का अवकलन क्या होता है, एक होता है, तो एक रहेगा। उसके बाद ई के पावर यक्स का क्या होता है, ई के पावर यक्स हो गया, यानी इसका पूरा टोटल हमारा क्या आ जाएगा, ई के पावर यक्स डी एक्स, ये चीज़ आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है क्योंकि यक्स यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पे एक हो जाता है क्योंकि इसका जब अवकलन करेंगे तो एक होगा, तो एक हो जाएगा। फिर ई एक्स का फिर समाकलन जब करेंगे तो यक्स यानी हमारा आ जाएगा ई के पावर यक्स माइनस ई के पावर यक्स, ई के पावर यक्स यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यक्स माइनस वन, ये बचेगा प्लस सी, ये चीज़ हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये लगाया गया है यहाँ पे,
यहाँ पे लगाया गया। और उसके बाद हम देखेंगे, अब ये देखिए दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड कैसे मानते हैं, कब फर्स्ट मानते हैं कब सेकंड मानते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रथम एवं द्वितीय फलन का चयन, प्रथम और द्वितीय फलन का जो चयन करते हैं हम लोग, वो चीज़ किस आधार पे किया जाता है, आप देख सकते हैं। तो पहला है, खंडशः समाकलन से समाकल ज्ञात करते समय प्रथम एवं द्वितीय फलन के चयन में निम्न बातों का ध्यान रखना, तो निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो क्या बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ेंगे अपने बुक में, पढ़ेंगे और समझेंगे। इसका एक जो है कि सिंपल भाषा भी है, जिसको कहते हैं आई लेट। जी हाँ दोस्तों, आई लेट, आई लेट के अनुसार फर्स्ट और सेकेंड माना जाता है। खंडशः समाकलन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आई लेट के अनुसार फर्स्ट सेकेंड माना जाता है। आई से क्या होता है, इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स हुआ, कॉस इनवर्स हुआ, अगर ये चीज़ आ गया तो उसको फर्स्ट मानेंगे, उसको फर्स्ट मानेंगे। यल से क्या होगा, लघुगणित होगा, मतलब तो लघुगणक की, जैसे लॉग यक्स है, लॉग साइन यक्स, ऐसे आ गया तो आप क्या करेंगे, उसको फर्स्ट मानेंगे। यहाँ पे जो है कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे यल से, ए से क्या है, अल्जेब्रिक है, टी से क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है, और ई से क्या है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल यानी चरघातीय फलन, जैसे ई के पावर यक्स, ए के पावर यक्स है, तो इसको आप क्या करेंगे, फर्स्ट मानेंगे। फिर उसके बाद इसके अलावा जो भी आता है उसको आप क्या करेंगे, सेकेंड मानेंगे। तो ये चीज़ आपको जो है कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, इसको याद करने की ज़रूरत है, तब आप जो है कि जानेंगे कि फर्स्ट कहाँ मानना है, कहाँ सेकेंड मानना है। तो यहाँ देख सकते हैं, यही चीज़ है पूरा इस लेसन का, जो है कि मेन चीज़ यही है। तो अब जो है कि आते हैं टाइप वन, टाइप वन जो है कि क्या है, टाइप वन जब प्रथम व द्वितीय दोनों फलनों का समाकल हमें पता हो, यानी जब हमें प्रथम का भी पता हो द्वितीय का भी पता हो, तो उसको कैसे लगाएंगे वो। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है यक्स सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स, तो इसको फर्स्ट सेकेंड किसी को भी मानेंगे वही आएगा। तो आईलेट के अनुसार हमेशा मानते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईलेट के अनुसार भी यक्स बीजीय फलन यह लिया गया है। तो जब यक्स को जो है क्या करेंगे, फर्स्ट मानेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को डी एक्स को क्या, सेक स्क्वायर एक्स को क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। अब वही जो है कि यू यू बी डी एक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे रख देंगे और आपका आंसर निकल कर के आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स होता है। तो यह चीज़ यहाँ पर जो है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बस क्या करना है, आपको सूत्र याद करना, फार्मूले याद होनी चाहिए, तब जाकर के आप क्या है कि इसमें रख करके आप लगा सकते हैं। तो यही चीज़ है इसमें खंडशः समाकलन में, और फर्स्ट सेकेंड मानने का आईलेट जो है हमेशा ध्यान में रख करके माना जाता है, उसके बाद सवाल लगाया जाता है। तो यहाँ पे टाइप सेकेंड है, टाइप सेकेंड में क्या कह रहा है कि जब खंडशः समाकलन एक से अधिक बार होता है, यानी खंडशः समाकलन एक से अधिक बार, यानी जब दो पद को आप फर्स्ट सेकेंड मानेंगे तो कुछ ऐसा आएगा सिचुएशन कि वहाँ भी फर्स्ट सेकेंड मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, तो यक्स ई के पावर यक्स, इसमें भी फर्स्ट सेकेंड मानेंगे। तो इस टाइप के जो है कि क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर उसके बाद आगे देखेंगे, ये चीज़ होता है टाइप थ्री है, उसके बाद टाइप फोर, यानी इसमें जो है कि चार पांच प्रकार के ऐसे क्वेश्चन टाइप के आते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं। तो ये चीज़ है, अब जो है कि हम प्रश्नावली पे जो है कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो है प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ बेसिक चीज़ है आपको समझाने के लिए, और आप इसको समझ सकते हैं और कैसे लगा है, कैसे माना जाता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो भी आप जो है कि लगा सकते हैं खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाई पार्ट। इसका जो है कि अगर इसका पिछली वीडियो आप नहीं देखे हैं, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन और समाकलन का पहला लेसन नहीं देखे हैं, तो आप जो है कि डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो का लिंक है, वहां से जा करके आप जो है कि देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन
जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको नोट्स, पीडीएफ, बुक पीडीएफ और वहाँ पे विद्या सरण जो भी चाहिए आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे जो है कि प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।